गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास सिक्स की मैथ्स के चैप्टर नंबर वन नोइंग आवर नंबर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम बताते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द गिवन चैप्टर। यह चैप्टर सबसे पहले इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़नी है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। इसके अलावा नोइंग आवर नंबर के अंतर्गत होता है कि हम कौन कौन से नंबर्स हैं। जैसे कल बिफोर कल हमने पिछले बार पढ़ाया था आपको कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसके अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। जो हमारा सब नेक्स्ट बातें हैं वह है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर शोज द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने 42,369 को लिया। इसके अंतर्गत हमारी जो है सबसे पहली वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, टेन थाउजेंड प्लेस है। तो हम पहले थाउजेंड प्लेस के जो टेन थाउजेंड प्लेस में हमारा डिजिट क्या है, वह टेन थाउजेंड के प्लेस की जो डिजिट है वह हमारा फोर है। तो हमने फोर पे थ्री जीरो डाल दिया, टू पे थ्री जीरो डाल दिया, थ्री पे टू जीरो डाल दिया, सिक्सटी हो गया और नाइन हो गया। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। और जो हमारा लेफ्ट में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जो हमने लेफ्ट में लिखा है 42,369, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म और दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ए अब शॉर्ट फॉर्म क्या है? ए नंबर रिटेन इन न्यूमेरल यूजिंग कॉमा इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म, जिसमें हम कॉमा को अप्लाई करके यूज करके जिस विधि से लिखते हैं, जिस मेथड से लिखते हैं, वह मेथड हमारा जो है शॉर्ट फॉर्म करता है। अब इसके अंतर्गत हमारा सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड चीजें हैं वह है प्लेस वैल्यू। चार जब कोई नंबर हमें दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, तो उस शॉर्ट फॉर्म के नंबर को प्लेस वैल्यू में हम कैसे दर्शाते हैं, उस सिस्टम क्या है। तो इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इंक्रीज 10 टाइम्स व्हेन इट मूव्स टू द लेफ्ट प्लेस। मतलब राइट से लेफ्ट प्लेस की ओर 10 प्लेसेस में 10 टाइम्स मल्टीपल में बढ़ता चला जाता है। अगर मान लिया जाए, सपोज मान लिया जाए कि हम दो एग्जांपल द्वारा हम दिखा रहे हैं, उसमें एक नंबर ऐसा है जिसे हमें प्लेस वैल्यू में दिखाना है। सपोज करिए कि हमने एक नंबर लिया, वह है 39,652। इसके अंतर्गत जो हमारा सिक्स है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो ये 10 टाइम्स के मल्टीपल्स में है, यानी 6 × 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। और 86,417 है, तो इसमें जो सिक्स है उसको 1000 टाइम्स में है, तो 6 × 1000 इक्वल टू 6000। तो ये हमारे नोइंग आवर नंबर्स के अंतर्गत ये है। इसके अलावा हमारे पास अगला नेक्स्ट है, वह है आपको सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या है जो जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेन चीज है। सबसे पहली चीज है सक्सेसर क्या है कि सक्सेसर ऑफ ए नंबर नंबर इज वन मोर देन द गिवेन नंबर। जैसे एग्जांपल्स के रूप में देखिए हमें क्या है कि मान लिया, सपोज करिए कि आपको 2206 है, तो इसकी सक्सेसर निकालनी है, तो इसमें वन प्लस कर दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा 2007। और ये हमारा सक्सेसर होता है, ये हमारा क्या होता है सक्सेसर होता है। दूसरी चीज है प्रेडिसेसर। केवल हम एक शब्द को उपयोग करेंगे, जैसे हमने ये जो लिखा वन मोर, तो वन लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर्स इज लेस देन द
गिवेन नंबर, गिवेन नंबर सपोज यही एक एग्जांपल्स लेके देखिए कि 206 है, इसमें 1 को माइनस कर दीजिए तो हमारा क्या बन गया 200 क्या 5, ये हमारा प्रेडिसेसर हो गया, प्रेडिसेसर। थैंक यू बच्चों।